तो भाई सभी को राम राम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग देखो, अभी होली वाले दिन तो ब्लॉग नहीं बना पाए थे, क्लिप बनाए थे एक दो, वो मैं तुमको डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी ब्लॉग, आज जाने का प्लान था हम लोगों का फिर से कानपुर सियानी दीदी से मिलने, मगर किसी कारण फेल हो गया। वो आप लोगों को रीज़न भी पता चलेगा किस वजह से फेल हो गया, और बहुत ज़्यादा मतलब यार एक तरह से गुस्सा आई। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, बस यही है कि सोचना सोचना रह जाता है यार जब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और इसमें भैया धूप ने तो अपने अभी से कमाल दिखाना चालू कर दिया है। अब सोचो, अभी से जब कमाल दिखाना चालू कर दिया है तो जून उनके महीने में क्या ही होगा। तभी आर्यन आ रहा है भाई, आर्यन आता है फिर मैं रीज़न बताता हूँ क्या रीज़न था, ठीक है। अब कुछ लोगों को तो पता होगा, जैसे एक दो लोगों जिससे बात हुई है मेरी, उसको उसको तो पता होगा, और किसी को नहीं पता होगा। तो आर्यन आता है फिर मैं रीज़न पता करवाता हूँ। बॉडी तो आ ही रही है भाई, बिना जिम किए। भाई अभी अपना एक दोस्त आ रहा है भाई जैसा, बहुत दिन पहले मतलब सिक्स क्लास से उससे, सिक्स से दोस्ती थी। तो यस, भाई देख रहा होगा अपना ब्लॉग, पर और किसी को नहीं पता है, पर मुझे पता है भाई, बहुत बढ़िया दोस्त था मेरा, है अभी फ़िलहाल है, था नहीं। और अभी आर्यन आया था भाई, उसको भेज दिया मैंने धूल लेने तो अभी आ जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं कितनी देर में। वो अभी मुंशी पुलिया पे कह रहा था है, और मुंशी पुलिया से आ रहा है, दीदी थी साथ में, तो आ जाता है फिर उसके बाद मिलते जुलते हैं थोड़ा सा उससे। तो भाई इधर देख लो क्या चल रहा है आर्यन भाई। भाई चाय पानी हो रहा है, फ्री का मिल जाते तो खाने आ जाते हैं आराम से। हैं अपने घर में नहीं बुलाता कभी, मिल जाएगा दूसरे घर में खाने चला आएगा। तो भाई जैसा अभी ये है, ये चला गया है, ठीक है। तो अभी हम ही दोनों बचे थे, ये तो सो गया था है ना, ये चाय पानी बनाए और अपना सो गया है। हमको लगा चला गया है, मगर देखे फोन आया इसके घर से, तो कमरे में देखे वहाँ पीछे पड़े एकदम सो रहे हैं। तो अभी फिलहाल चाय वाय हम लोग भी पी ही रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, और शाम को कहीं चलने का प्लान बताओ। देखते हैं अभी कुछ प्लान है नहीं, वैसे घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ यार। दो दिन से कल भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है कि दो दिन से मतलब घर से बाहर समझ लो एक तरह से बहुत कम निकला हूँ। आफ्टर होली कल जब से आया हूँ मुझे लग रहा है तब से मैं कमरे में हूँ, बाहर तो नहीं निकला हूँ, बहुत कम निकला। बाल कटाने गया था मैं बाहर, तब से कमरे में हूँ। ज्यादा भाषण नहीं, प्लान बनाएंगे शाम को, तब मिलते हैं। हो गए, हो गया शेर, चीता ही शेर है, हैं चीता ही कंदे भाई। हेलो कैसे हो, ये देखो जलावा हम मांगे हो गया। अब जल्दी चलो ना, कसे जाओगे। अरे यार चलो चलो चलो, आप ऊपर कैफे और नीचे देखे चिटियात चले गए। आदित बताओ क्या कहना चाह रहे हो इसके ऊपर, शेर चिट्ठा ही कह रहे। अपना खाना वाना बन चुका है, ठीक है। दाल इधर, चावल इधर, और सैलड अभी काटने जा रहे थे अपने। तो भाई अभी पापा वापा भी आ रहे हैं, तो बाबा आएंगे, बाबा मीन्स गांव के हैं, घर के हैं, लगते हैं बाबा, वो आएंगे तो आज सब लोग यहीं पे रुकेंगे। तो अभी मैंने अपने लिए बनाया, वैसे वो लोग तो खा के ही आएंगे। तो अभी क्या करते हैं कि सब कुछ रेडी हो गया है, बस खाना खाना है। तो आने से पहले सबके खा पी लेंगे, और बर्तन वर्तन तो कि भाई रख देंगे, बहुत ज़्यादा यार एकदम झंडवा जिंदगी, झंडवा घमंडवा वाली कहावत बहुत लोगों सुनी होगी ना, वही चीज़ है यार। तो खाते वाते हैं अभी, वैसे यार देखो कुछ प्लान नहीं हो पा रहा है। कल एक सरप्राइज मिलेगा भाई अगर। हाँ भाई गुड मॉर्निंग अगेन। तो भाई अभी देखो आज जानते हो क्या है, आज है मेरा मणिकरण मीन्स अगर कहा जाए तो मरकड़, कुछ कह सकते हैं मन मर करड़। तो वो आज देखो रिजल्ट आ रहा है अपना पीटीएम है, तो ट्वेल्थ के लिए फीस वगैरह भी जमा होगी, जो जो कुछ है अभी सब कुछ करना है। मेन ये ध्यान है कि आज पीटीएम है,
पीडीएम में अगर कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गई तब तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। वैसे कुछ होगा नहीं, ऑल इज वेल।